अपनी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की, तो आपके शिक्षक जीवन के साथ साथ खेती कैसे जुड़ी और खेती में से आपने क्या नया संदेश सीखा उसके ऊपर प्रकाश पाए। ऐसे तो हमारा मूल धंधा खेती का है, लेकिन खेती में जो कोई पानी की वगैरह सुविधा नहीं थी तो हमने प्राथमिक शिक्षक की नौकरी स्वीकारी और मानसिक मुक्ति स्वीकारते हुए 1948 में मैं नौकरी कर साथ में खेती की शुरुआत की। और ये जो शुरुआत थी ये केमिकल फार्मिंग थी, इसका मूल उद्देश्य था प्रोडक्शन बढ़ाना और सरकार की और खेती प्रणाली का आधार पर केमिकल वगैरह का उपयोग किया और खेती की शुरुआत की। 4 साल तक प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन तो बढ़ाया, पैसा भी ज़्यादा मिला, परंतु ये पैसा मेरे पास नहीं रहा। और बाद में गांधी जी का 5 सिद्धांत मुझे पढ़ने को मिला। गांधी जी ने कहा था, ये दुनिया में जो प्राणी है इसमें कोई किसी का शत्रु नहीं है, पूरा एक दूसरे का मित्र है, इसलिए कोई जंतुनाशक का उपयोग नहीं करना। जो कोई वस्तु उगे ये कोई भी चीज़ नकामी नहीं है, उसको उखेड़ कर फेंक देना ये प्रकृति के साथ का बड़ा संघर्ष है, ये कभी करना नहीं चाहिए। खेती धंधा नहीं है, धर्म है, ये प्रकृति का सृजन है, तो जो सृजन हुआ इसमें हमारा अधिकार सिर्फ फल और बीज पर है। जमीन एक जिंदा पदार्थ है, तो जमीन की व्याख्या जाननी चाहिए। ये पृथ्वी एक समय धकधकता वायु का गोला था, इसके ऊपर गर्मी सिवाय कुछ नहीं थी। वो ठंडा होने के लिए लाखों साल लग गए, ठंडा होने के बाद इसके ऊपर बारिश आने के लिए लाखों साल लग गए, बारिश आने के बाद ये पृथ्वी पर 2-5 इंच मिट्टी का लेयर बनने के लिए लाखों साल लग गए। तो हर किसान ने खेती करते समय जमीन को बिन जरूरी डिस्टर्ब करना नहीं, यानी कि नो टिलिंग फार्मिंग। ये पौधा के नीचे जड़ें निर्माण होना प्राकृतिक है, जड़ का विकास होना प्राकृतिक है, इसके ऊपर कुंपल फूटना ये भी प्राकृतिक है, कुंपल में से पान में रूपांतर होना ये भी प्राकृतिक है। ये पौधा उम्र में आने के बाद इसके ऊपर फूल आना ये भी प्राकृतिक है, फूल में स्त्री केसर पुंग केसर निर्माण होकर इसका पॉलिनेशन होकर बी में जैविक शक्ति तैयार होकर दूसरा पेड़ उगने शक्ति निर्माण करना प्राकृतिक है, फल आना ये भी प्राकृतिक है, फल के अंदर हर प्रकार का कलर निर्माण होना प्राकृतिक है, फल के अंदर हर प्रकार का स्वाद निर्माण होना प्राकृतिक है, फल तैयार होने पर उतार लेना, इसमें रिसर्च कहाँ आया, संशोधन कहाँ आया, और इसमें जो संशोधन किया ये प्रकृति की संस्कृति के खिलाफ ये काम किया, ये खिलाफ काम का परिणाम आत्महत्या में आया। लास्ट ईयर एट कल्पवृक्ष the average productivity per coconut tree stood at a handsome 400 coconuts, far more than a respectable range of 70 to 100. These are not sold in the market, some are consumed, with the rest used to grow nurseries. वो नारियल खुला नारियल बाजार में बेचे गए तो 5-7 रुपये मिलता है, और ये नारियल 11 महीना तक जमीन में लगा दिया, पानी दिया, तो उसका 25-30 रुपया आता है, यानी कि ये उत्पादन है ये अनेक गुना बढ़ जाता है। और अच्छी तरह का माल हर किसान को बेचने से तहाँ ये वेराइटी जाती है और उसको भी कल्याण हो जाता है जब, तो ये हम नर्सरी से करते हैं। आज करीब करीब 40 साल से हम नर्सरी करते हैं और 40 साल में हजारों पौधा बिका जाता है, कोई एडवर्टाइज करनी पड़ती नहीं। ये मधुमक्खी की पेटी है, वो पॉलिनेशन करने के लिए वो रखा है, उससे 30% उत्पादन बढ़ता है पॉलिनेशन होने से वजह से, और पॉलिनेशन परफेक्ट हो जाता है तो सीड्स बहुत अच्छी मिलती है, और पौधा जो होता है वो परफेक्ट
और हेल्दी मिलता है, इसीलिए उसका हम इस रखी है। वो एक एकड़ में 2-3 ऐसी पेटी रखते हैं हम, ऐसी 5-6 पेटी मेरे पास है, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। इसराइल में जमीन की परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है, खड़का डोंगरा रेताल। हवामान की परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है, दोपहर को 50-55 डिग्री सेल्सियस उष्णता रहते है तो रात को 6 और 10 हो जाते। इसराइल में बारिश 4 का 5 इंच गिरता है। ये देश का लोगों को पीने के लिए पानी मिलता नहीं है और ये देश का लोग जमीन पर मल्चिन करके, जमीन पर छाँव गिरा कर बूंद बूंद पानी देकर सारी दुनिया में खेती में प्रगति की है। और हमारे देश में बड़ा बड़ा बांध बनाकर पानी की सुविधा करके जमीन को पानी देकर सत्यानाश कर दिया है। वनस्पति को पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए। तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10% पानी में खेती हो सकती है। अब आप इधर जो देखेगा तो उसे कोई पानी को क्यारा नहीं है। पानी देना ये शब्द प्रयोग गलत है, सिर्फ पानी की सुविधा करना हमारा ये इंडिकेटर है। ये हमको सूचना देते हैं तब भी हमें पानी देते हैं, पानी गिरता है। तो ये पेड़ पूरा फार्म में हमने लगाया है। ये खासियत क्या है कि जब मॉइस्चर 9-10 इंच नीचे जाता है तब धीरे धीरे ये मुरझाना लगता है, और जब तक मॉइस्चर रहता है तब तक मुरझाता नहीं है। तो ठंडी के मौसम में 10-12 दिन में ये मुरझाने लगता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में हवा ड्राई है। जब गर्मी की मौसम आती है तो केचुए के जरिए ये ज़मीन में ह्यूमस बैक्टीरिया है, तो ये ह्यूमस बैक्टीरिया अप्रैल मई में हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ये ह्यूमिडिटी एक्सॉर्ब करता है। तो गर्मी के सीजन में 20-22 दिन तक वो मुरझाता नहीं है। तो गर्मी के सीजन में कम पानी लगता है, ठंडी के सीजन में ज़्यादा लगता है। तो हम उल्टा करता है, ठंडी के सीजन में कम देता है, गर्मी को ज़्यादा देता है, ये नहीं करता। ये गोबर गैस प्लांट है, इसमें हम लोग हमारा ये जो टॉयलेट है वो भी अटैच किया हुआ है, और हमारे पास गाय और बैल है, उसका जो गोबर होता है वो हर रोज़ हम लोग गोबर इसमें डालते हैं, उसकी वजह से गैस मिलता है, वो घर के वपराश के लिए उपयोगी रहता है। जो हमारा फार्म का जो पूरा पानी है वो पानी हम लोग ऊपर से डाइवर्ट करके इधर 2 पिट्स बनाए हैं, और पिट्स में फिल्टर होके ये कुएं में आता है। ये 50 फुट गहरा कुआ है। हम लोग ये वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से लास्ट ईयर से ये हमारा पानी पीने लायक हो गया है। ये दुनिया में जो प्राणी है इसमें का ही मानव प्राणी है। मानव को छोड़कर कोई पानी भूखा रहता है नहीं रहता है, कोई धंधा करता है नहीं करता है, कोई प्रवृत्ति करता है नहीं करता है, और मानव के सिवा आनंदमय निरोगी जीवन जीता है और निश्चित किया हुआ आयुष्य पूरा करता है। ये हमारे सामने है, पशु पक्षी जीव जंतु कौवा वगैरह आनंदमय जीता, तो हमको क्या इतना करना पड़ता, हमको करने से कारण हमको प्रकृति को पिछाना है। प्रकृति ही परमेश्वर है, इसके साथ नाता जोड़ो, बाकी सब कुछ करना नहीं, ये बात है।